हमारे साथ हैं शिवसेना उपनेते, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कॉरपोरेटर यशवंत जाधव और भाईकला विधानसभा की आमदार यामिनी यशवंत जाधव। आज आपको जान के खुशी होगी कि आज इनका 35वां जन शादी की सालगिरह है। सर, मैं आपका तो नाम पहले आएगा, लेकिन मैं भाभी से पूछना चाहूंगा कि भाभी वाइफ हैं आप, 35 साल हो गए आपके, 35 साल में इनके साथ में जो एक जिंदगी का सफर रहा उस पर आप कुछ दो बात बोलना चाहेंगी, क्योंकि आप होम मिनिस्टर भी हैं। ये 35 साल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, हालांकि ऐसे लग रहा है कि आज ही शादी हुई है, लेकिन फिर भी इन 35 सालों में हम दोनों के बीच में अगर कोई बड़ा रिश्ता रहा होगा तो वो मेरे गुरु हैं हर चीज में, ना कि पॉलिटिक्स में, पूरी जिंदगी में वो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे पिताजी की जगह है वो, और आज भी हर पल वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ये 35 साल मेरे लिए बहुत कम है और आगे के 35 साल में देखता हूँ सीखने मिलेगा। मेरे बड़े भाई के नाते हैं दादा, ये बताइए आपके दो बेटे हैं, एक 35 साल का है, तो आज लोग जो है उनको हैरत होती है आपके पीछे लोग बात करते हैं कि आपकी शादी को इतना साल हुआ नहीं, आज भी आप यंग है, तो आज भी आप शाहरुख खान दिख रहे हैं, आज उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं जिंदगी में ये सिखा हूं कि टेंशन ज्यादा लेने का नहीं, अपनी वजह से सामने वाले को टेंशन आना चाहिए। और ये बात में मैं बहुत काफी जो सोचता था, हमेशा मैं देखता हूं कि मैं इसमें से कामयाबी होते रहूं, क्योंकि जो जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे भी आते हैं, थोड़ा भी आड़ा तेड़ा करने की कोशिश करते हैं तो खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तो मेरी कामयाबी है, मैं समझता हूं कि आज भगवान की मेहरबानी है, आशीर्वाद है, और सच बोले तो मेरे शिवसैनिक जिन्होंने आज मुझे ये पूरे हमको ये एनर्जी दी। आज मुझे शिवसेना में काम करते 41 साल हो गए, पर बचपन से लेकर आज तक काम करते वक्त हमारे बाला साहब ठाकरे साहब, हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे आदित्य जी ठाकरे साहब, उसी के साथ साथ में हमारी वहिनी रश्मि वहिनी जो है, जो हमें हमेशा मां का प्यार उनसे हमको मिला है, और जो शिवसैनिकों का प्यार मिला है, साथ ही साथ में हम जिस इस इलाके में रहते हैं इस लोगों का भी प्यार मिला है, और मुझे लगता है कि इन्हीं के प्यार की वजह से आज हम लोग इस मकाम पे पहुंचे, और जिस मकाम पे हम पहुंचे और आज 35 साल जो हम दोनों ने साथ में निकाले हैं, ये साथ में निकाल के और भी लोगों की सेवा करनी है। और पहले तो मैं अकेला था राजनीति में, और अभी यामिनी भी जुड़ गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों की प्यार जो मोहब्बत है, लोगों की जो आस है और एक बड़ा विश्वास है हमारे ऊपर, हम विश्वास ढलने नहीं देंगे। आज तक जो साथ रहे, अभी साथ रहेंगे और लोगों के लिए रहेंगे, क्योंकि हमको लोगों के बीच में जाके लोग जो हमारे से जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं भले हम पूरी पूरी न कर सके ज्यादा, पर थोड़ी बहुत तो करने की हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। और मुझे पूरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि भगवान अल्लाह सब इन चीजों में हमें कामयाबी देंगे, तो सभी लोगों की जो प्यार है मोहब्बत ऐसी बरकरार रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। वाकई में इसमें तो कोई शक नहीं है, हकीकत में भाईकला विधानसभा में कहते हैं कि यशवंत जाधव नहीं उनका कान बोलता है। आज उनका कान बोलने का तरीका आपके सामने है कि 25 साल से कंटिन्यू वो कॉरपोरेटर हैं, उनकी वाइफ जो इतिहास गवाह है भाईकला विधानसभा में, फर्स्ट टाइम जो है लेडीज आमदार आई हैं, और इस लॉकडाउन में जिस तरह से इन्होंने काम किया वो आपके सामने है, और यशवंत जाधव जो है ये थर्ड टाइम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनना एक हैट्रिक है, बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ जो काम करता है ये चीज उसी को मिलती है, और ये इनके सामने है। आज भाईकला विधानसभा के जो लोग हैं वो अगर इन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं, इन्हें चुन के लाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका काम का नतीजा है, वो आपके सामने है।
रात के 12 बजे 2 बजे भी अगर यशवंत जाधव कहीं नहीं पहुंचते, फोन पे अवेलेबल रहते, उनके कार्यकर्ता पहुंच जाते, चाहे हॉस्पिटल्स का मसला हो या किसी का कोई भी तकलीफ का मसला हो। और उसी तरह से भाभी भी आज उसी तरह से काम कर रही है। आइए, आने वाला वक्त बताएगा कि और किस तरह से जाधव परिवार में ये लोग तो काम करते हुए आए हैं, आगे किस तरह से और चेंजिंग होगी और बढ़ चढ़ के भाईकल्ला विधानसभा में क्या क्या काम किया जाएगा। कैमरामैन चेक के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया।